हे गाइस, दिस इज रॉयल राजपूत और आज हम सीखेंगे कि पाठ योजना को आसानी से कैसे बनाएं। पाठ योजना क्या होती है? जब हम बीएड का पाठ्यक्रम करते हैं तो हमें लास्ट सेमेस्टर में स्कूल्स में पढ़ाना होता है, टीचिंग करनी होती है, जिसके लिए हमें एक पाठ योजना तैयार करनी पड़ती है कि हमने बच्चों को कैसे पढ़ाया, कौन सी क्लास के कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया और किस तरीके से पढ़ाया। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम एक अच्छे से पाठ योजना कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम पाठ योजना के लिए लिख लेते हैं, फिर हमें नीचे लिखना है विद्यालय का नाम। यहाँ उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिनांक, कौन सी डेट को आप पढ़ाने जा रहे हो, कौन सी कक्षा को आप पढ़ा रहे हो और कौन सा विषय आप पढ़ा रहे हो। यहाँ पे कालांश, इसका मतलब कौन से समय आप, कौन सा आपका जो पीरियड है वह कौन से समय में आप पढ़ा रहे हो। यहाँ पे अवधि होगी 40 मिनट, 40 से 45 मिनट का ये पाठ योजना होती है। उसके बाद हम जो प्रकरण होता है, यहाँ पर हम उस टॉपिक का नाम लिखेंगे जिस टॉपिक को आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे आज हम बहुपद टॉपिक पर पाठ योजना तैयार कर रहे हैं तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य। सबसे पहले हमें उद्देश्य लिखना होगा कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। तो जैसे कि उद्देश्य, बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना, बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना, ये हमारे उद्देश्य हो गए। इसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हमें बताना होगा कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में। जैसे हम बहुपद पढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट उद्देश्य होगा कि बच्चों को बहुपद की जानकारी देना है और बच्चों को बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा और भाग बताना है। उसके बाद हम लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हमें जो जो विधियों का हम यहाँ उपयोग करेंगे उनका नाम लिखना है। जैसे हम अपनी पाठ योजना में प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि और स्पष्टीकरण विधि का उपयोग करने वाले हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो सामग्री हमें इस पाठ योजना को तैयार करने के लिए लगेगी उस सामग्री का नाम लिखेंगे। जैसे एक ऐसा चार्ट जिसमें चर और अचर राशियों के बारे में सामान्य जानकारी अंकित हो, तथा जो कक्षा उपयोगी सामग्री है वो, जैसे चौक, डस्टर और भी कोई। उसके बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि बच्चों को इसके पहले जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। जैसे बच्चे चर और अचर राशियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। इसके बाद आ जाएगा प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न सबसे शुरू में किए जाते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हम बच्चों को एक टॉपिक शुरू करने से पहले 3 से 4 क्वेश्चन प्रस्तावना के करेंगे। यहाँ हम एक तालिका बनाएंगे जहाँ छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। जैसे पहला क्वेश्चन, अचर संख्याएं किसे कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे, सर जिसका मान ना बदले, जैसे 1, 2, 3। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, चर संख्याएं किसे कहते हैं? छात्र की क्रिया होगी, सर जिसका मान बदलता रहे, जैसे XYZ। तीसरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, चर व अचर को एक साथ लिखने से क्या बनता है? बच्चों को पता है, समीकरण। फिर हम चौथा क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें बहुत से पद हैं उसको हम क्या कहेंगे? तो इसमें बच्चे मौन हो जाते हैं क्योंकि उनको इसका आंसर पता नहीं। फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे इसके बाद कि बच्चों, आज हम लोग बहुपद के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद आएगा हमारा प्रस्तुतीकरण, जो हम पढ़ाने वाले हैं।
तो एक तालिका में हम एक साइड शिक्षण बिंदु लिखेंगे, एक जगह पे छात्राध्यापक कथन यानी जो टीचर पढ़ाएगा, और दूसरे साइड जो छात्र आंसर करेगा वो। जैसे शिक्षण बिंदु में पहला टॉपिक है बहुपद, तो हम प्रश्न करेंगे बहुपद किसे कहते हैं, छात्र मौन रह जाएंगे। याद रखना यही कहलाती है प्रश्नोत्तर विधि, और हमने कहा स्पष्टीकरण विधि, तो हम स्पष्टीकरण देंगे उसका कि पी एक्स बराबर ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन के प्रकार का फलन, जहाँ ए ज़ीरो ए वन ए टू और ए एन वास्तविक संख्याएं हैं और जहाँ ए एन बराबर नहीं है जीरो के। इस समय छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। फिर हम उदाहरण विधि का भी यूज करेंगे, एक हम उदाहरण दे देंगे कि ये एक बहुपद है। इसी प्रकार शिक्षण बिंदु में हमारा दूसरा टॉपिक आ जाएगा बहुपद के प्रकार, तो हम प्रश्न करेंगे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, छात्र मौन हो जाएंगे। तो हम स्पष्टीकरण देंगे कि बहुपद के निम्न प्रकार हैं, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद होता है, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, और शून्य बहुपद का मतलब होता है कि उसके हर गुणांक का शून्य होना। इस समय छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो नेक्स्ट है दो बहुपदों का योग। तो हम क्या प्रश्न करेंगे, दो बहुपदों को जोड़ने का क्या नियम है, छात्र फिर से मौन हो जाएंगे। तो हम फिर से स्पष्टीकरण देंगे कि सर्वप्रथम दोनों बहुपदों में समान घात वाले पदों को पास पास और अचर पदों को एक पास करके जोड़ते हैं। इस समय बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे हमारी बात को, फिर हम एक उदाहरण दे देंगे और उदाहरण दे के समझा देंगे कि किस तरीके से हम दो बहुपदों का योग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दो बहुपदों का अंतर, तो हम फिर प्रश्न करेंगे दो बहुपदों को घटाने का क्या नियम है, छात्र फिर मौन हो जाएंगे। तो हम फिर से स्पष्टीकरण देने वाले हैं, सर्वप्रथम दोनों बहुपदों को कोष्टक में लिखने का प्रयास करेंगे और दोनों कोष्टकों के बीच ऋण चिन्ह लगाएंगे। ऋण चिन्ह जब कोष्टक के अंदर प्रवेश करेगा तो वह सभी चिन्हों को बदल देगा। इस समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। फिर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। दो बहुपदों के बीच हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया और जब उसको खोला तो शायद ये चिन्ह पलट जाएंगे और इस तरीके से बहुपदों का अंतर हो जाएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं दो बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं, प्रश्न करते हैं। यहाँ हम प्रश्नोत्तर विधि का यूज कर रहे हैं, बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं, तो छात्र फिर मौन हो जाएंगे। हम स्पष्टीकरण देने वाले हैं कि सर्वप्रथम बहुपदों के कोष्ठक के अंदर लिखकर कोष्ठकों के बीच में हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, फिर पहले कोष्ठक के एक पद को दूसरे कोष्ठक के प्रत्येक पद से गुणा करते हैं, फिर दूसरे तीसरे पदों को लेकर यही प्रक्रिया को हम दोहराते हैं। छात्र यहाँ पर ध्यान से सुनने वाले हैं, हम उदाहरण विधि का यूज भी करेंगे। यहाँ पर दो बहुपद लिखेंगे और एक को दूसरे के सारे कोष्ठक से हम गुणा करने वाले हैं। इस तरीके से हम एक उदाहरण दे सकते हैं। अब छात्र लिखेंगे यहाँ पे। फिर हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा दो बहुपदों का भाग कैसे करेंगे। प्रश्न है दो बहुपदों का भाग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। तो हम स्पष्टीकरण करेंगे कि दो बहुपदों का भाग हम निम्न तरीके से करते हैं, छात्र देखेंगे। तो हम भाग की एक विधि को समझाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स में डिवाइड करेंगे हम x माइनस थ्री का, तो इस तरीके से हम उनको डिवाइड करके समझा देंगे। छात्र समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर हम बोध प्रश्न करेंगे, इसका मतलब कि हम कुछ और उनको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे इनको हम लिखने की इनको जोड़ के बताइए, फिर इसका गुणा करिए और इनका माइनस निकालिए। इसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे,
मूल्यांकन प्रश्न मतलब हम उनको देखेंगे कि बच्चों को कितना समझ आया है। तो हमने एक क्वेश्चन दे दिया, इस बहुपद में x माइनस थ्री से भाग दीजिए या इस बहुपद को ऐड करिए। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन दे दिया, px माइनस qx को ज्ञात कीजिए। फिर क्या होगा, श्यामपट कार्य होगा। जो छात्राध्यापक ने यानी हमने जो श्यामपट पर लिखा हुआ है हम उसको छात्रों को अपनी कॉपी में उतारने के लिए बोलेंगे। फिर इसके बाद निरीक्षण कार्य होगा। जब छात्र श्यामपट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद अंत में हम छात्रों को गृह कार्य भी देंगे। इस तरीके से हमने एक गृह कार्य दिया और उनको इनका बहुपदों का भाग करने को बोला। इस तरीके से हमारी एक संपूर्ण पाठ योजना तैयार होती है। अंत में जो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और जो छात्राध्यापक के हस्ताक्षर हैं हम वो करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद के पास शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।